इसको ना यहाँ से डालना पड़ेगा, तो ढंग से काटना, अंदर दबा के काटना भाई। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूं सनातन भारद्वाज और आप देख रहे हो एस बी ब्लॉग। तो सीन क्या है, आज है आपकी 3 तारीख और केदारनाथ भगवान जी के पट हो चुके हैं बंद। तो अभी रैंडमली बोल सकते हैं भगवान का बुलावा होगा, क्या पता। रैंडम अभी प्लान बना है हमारा सोनप्रयाग जाने का, क्योंकि आज की डोली आपकी सोनप्रयाग रहने वाली है। तो अभी फटाफट से बाइक को स्टार्ट करूँगा, मैं विंटर लाइनर लेके जा रहा हूँ। मैं शाम तक हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हार्डली 2 या 2.5 घंटे का रास्ता है। तो फटाफट से बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। गोप्रो मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, तो भाई गोप्रो को चार्ज पे लगाता हूँ, चिराग को लेने जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे डायरेक्टली मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। ऑलराइट गाइस, तो चेक करो, चिराग को लेके मैं आ चुका हूँ, अपन पूरा रेडी है। बाकी अपनी बाइक चेक करो, क्या बूम लग रही है ना। तो इसको लेके अभी डायरेक्टली हम निकल रहे हैं सोनप्रयाग, फटाफट निकलते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है, 1 बज चुका है। तैयार है भाई? अभी पावर बैंक की तैयारी चल रही है कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, सीधा निकलते हैं भाई, क्योंकि ना टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है लिटरली। तो भाई पहुंच चुके हैं हम देवलधार, और मेरे साथ एक बकैती हो चुकी है, मैं अपने राइडिंग जैकेट का विंटर लाइनर नहीं लेके आया। अभी हम जाएंगे इस रास्ते, लेकिन आएंगे हम हाईवे वाले रास्ते, क्योंकि चोपता वाला रास्ते थोड़ा तूफानी हो जाता है रात के लिए। बहुत गलत टाइम पे निकल रहे हैं भाई हम, बहुत गलत टाइम पे। ऊपर से पेट्रोल भी हाफ टैंक है, देखेंगे क्या पता कुंड में मिल जाए। यह है मंडल के ऊपर वाला पॉइंट, चोपता जाना है, फिर चोपता से ऊखीमठ। भाई आज का रास्ता रहा बहुत लंबा, कम से कम 2-2.5 घंटे में तो कवर करना ही है, तब जाके सही रहेगा, बाबा केदार के दर्शन करेंगे। एक चीज तो मैं ये मानता हूँ यार, जब तक भगवान नहीं बुलाएगा ना कि बेटा मेरे दर्शन करने आओ, तब तक ना आप जा ही नहीं सकते, मतलब हमारा होम स्टे है। तो भाई मैं उस काम में बिजी हो रखा था, ठीक। कई बार जब मैं रील्स स्क्रॉल करता था तो मेरे को भी होता है कि यार भाई जाना है दर्शन करने है, जाना है दर्शन करने है, लेकिन हम अपने बिजनेस के चक्कर में भाई जा ही नहीं पा रहे थे। तो भाई आप देख लो, आज वो टाइम आ चुका है जब पापा खुद बोल रहे हैं कि बेटे आओ और दर्शन करो। भाई यार सीरियसली, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं अपना विंटर लाइनर नहीं लेके आया, ठंडा लगने लग गया, यहाँ पर से हवा घुस रही है यार, ऊपर तो मौसम भी खराब लग रहा है यार। अरे हाय भाई, यहाँ पे ना लिटरली ठंडा स्टार्ट हो चुका है, मतलब मैं अपने हाथों में फील कर सकता हूँ। भाई कपल तो कहाँ कहाँ घूमने आ रखे हैं यार, वहां से इतना लंबा काटोगे तो इंसान कहाँ जाएगा यार। तो भाई साहब तुम वहां काट रहे हो तभी तो लेके गया, तो ढंग से काटना, अंदर दबा के काटना भाई, फालतू का बकवास कर रहे हो उसे। इसमें हम गलत तो है। तू भी आ भाई, रोड की ना बैंड बज गई यहाँ पर आके, नीचे वाली रोड सही थी यार, नीचे एकदम रिदम सही बन रहा था, हर एक सेकंड में भयंकर रोड टूटी हुई है। भाई मेरा हाथ ना ठंडे हो गए पता, चोपता अब केवल 9 किलोमीटर रह गया, जो कि हमने बहुत जल्दी कवर करा सीरियसली, क्योंकि नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना मैं, भले ही व्लॉग में कट कट करके डालूंगा मैं। फाइनली हम चोपता पहुंच चुके हैं और ये जाम में फंसे हम।
तो ये है चोपता। तो भाई अभी चोपता से काफी नीचे पहुंच चुके हैं हम जंगलों के बीच, ठंड खत्म नहीं हो रही और यहाँ चेक कर रहे हो पेट्रोल केवल एक डंडी रह गई। तो अभी निकल रहे हैं कुंड, वहाँ पे पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे टैंक फुल करवा दूंगा ताकि दिक्कत ना रहे, है ना। अबे यहाँ पे तो दुकानें हुआ करती थी, भाई यहाँ सब हट गया। ये भाई ने कहाँ चढ़ा दी, देखो गाइस धूप जिसके हम तरस गए थे, आधे घंटे से हमारी बैंड बज गई थी। ओह माय गॉड, यहाँ पे ऐसा, ये कब कहाँ कैसे क्यों हुआ, भयंकर ही हो रहा है इधर। इसको ना यहाँ से डालना पड़ेगा। ये देखो गई 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 गई, चढ़ा दे भाई चढ़ा दे, फंस गई। घूम जाएगी कहीं तो भाई, एडवेंचर तो चलता रहेगा, हम निकलते हैं यहाँ से। बाकी ये वाला व्यू चेक करो यार, इधर साइड से हम आए हैं और इधर को हम जाएंगे से आपका कुंड रहेगा केवल 2 किलोमीटर। इस साइड पे है अपना पेट्रोल पंप। सो गाइस ये वो पॉइंट है जहाँ से हम गुप्त काशी के लिए जाएंगे। गुप्त काशी के लिए हमको राइट जाना है और रुद्रप्रयाग के लिए डायरेक्ट स्ट्रेट। जब हम रात को अभी रिटर्न आएंगे तो हम डायरेक्ट अगस्त मुनि वाले रास्ते निकलेंगे, ये इधर वाले रास्ते। अभी तो हम इधर से जा रहे हैं भाई। मेरे को भी वही लग रहा है, डोली यहीं पर है। तो गाइस ये चेक करो, बाबा केदार की डोली आ चुकी है। भाई आपने देखा डोली क्या सही तरीके से देख दी यार, मतलब होता है ना एक अंदर से आप किसी चीज के लिए आए हो और वो आपको मिल जाए एग्जैक्ट वही चीज। तो भाई ये चेक करो, गाइस यहाँ पे आने के बाद हमको हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं। कैसे हो भाई लोगों, बढ़िया बढ़िया। तो अभी दर्शन वर्शन करके हम सीधा निकल रहे हैं, अभी रास्ते में आपको डोली और दिखाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टली अब गोपेश्वर निकलेंगे। डोली भी यहाँ से आगे निकल चुकी है, बाय रोड अभी जा रही है आगे को। तो भाई आप लोगों की परमिशन है जाने की, निकले हम घर को, चलो हम भी हो गया। ज्यादा नहीं। तो भाई ये अपने छोटे सब्सक्राइबर, चलो ठीक है भाई लोगों, ठीक है मिलेंगे दोबारा। ओके बाय। खुशी तो हो रही है, दर्शन वगैरह भी हुए अपने सब्सक्राइबर, छोटे सब्सक्राइबर आते ही भैया आप ऐसे व्लॉग बना भाई, पता नहीं कैसे कहां से पता चल जाता है यार, लेकिन सही है काफी टाइम बाद ब्लॉग करा तो मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है भाई। और बाबा केदार ने तो अपने दर्शन करवा ही दिए हैं, क्योंकि भाई लिटरली मैं स्टार्टिंग से सोच ही रहा था बाबा के दर्शन करने बट हो नहीं पा रहे थे। लास्टली जब पट बंद हो रहे थे तो बाबा ने बुलाई लिया अपने पास, बहुत सही। तो भाई बाबा के साथ हम भी निकल चुके हैं, वो देखो उधर जा रही है बाबा की डोली। गाइस चेक करो, जय बाबा केदार।
जय बाबा केदार। आज जो डोली का पड़ा हुआ है वो आपका रामपुर, तो अभी डायरेक्टली हम सीधा निकलेंगे आप घर को। जय हो पापा। अब डायरेक्ट निकलते हैं घर, यहाँ से गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से सीधा रुद्रप्रयाग। थोड़ा लंबा पड़ेगा बट कोई नहीं, मजा आएगा। तो निकल रहे हैं भाई यहाँ से। अब हम कर रहे हैं गुप्तकाशी को बाय। अरे भाई ये चेक करो भाई, किसी का गंदा एक्सीडेंट हो रखा है। ये चेक करो भाई, बहुत ही गंदा हुआ है ना। तो गाइस फाइनली अभी हम कुंड वाले रास्ते पे निकल चुके हैं। यहाँ से 45 के अप्रोक्स या 40 के लगभग आपका रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग वाले रास्ते जा रहे हैं क्योंकि चोपता से जाएंगे ना भाई, बहुत ठंडा मिलने वाला है। तो अभी यहीं से निकलेंगे हम, फटाफट निकलते हैं यहाँ से, ब्लॉक को करते हैं यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, राइड सेफ और स्टे हेल्थी।